जितने भी फॉर्मूला है हमारे यहाँ पे फॉर्मूला का टैब है, इसके अंदर हमारे सारे फॉर्मूला होते हैं। अलग अलग कैटेगराइजेशन हुआ पड़ा है इसमें, जैसे फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट, टाइम, लुकअप डिफरेंसेस, मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, डेटाबेस फंक्शन और एरे फार्मूला। ठीक है जी, इस तरह के फार्मूले इसके अंदर चलते हैं एक्सेल के अंदर। और ये जो एफएक्स का बटन है, ये इंसर्ट फंक्शन के लिए ऑप्शन है, और ये आपकी फार्मूला बार है। कोई भी फार्मूला यहाँ पे आप लगाते हैं किसी भी सेल पे, तो यहाँ पे आपके दो बटन आते हैं कि आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना है। ठीक है जी, ये फार्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस जब आप सेल के एडिट मोड में होते हैं तब आप फार्मूला देख सकते हैं, मतलब जब आप लिख रहे होते हैं इसके अंदर तब फार्मूला देख सकते हैं। अदर केस में जो भी है आपको वैसे रिजल्ट दिखाई देता है। तो अब फार्मूला, सबसे पहली चीज है कि फार्मूला स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो फार्मूला अपने पास, हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, प्लस से स्टार्ट करते हैं और माइनस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली चीज, हर कोई कैलकुलेशन के लिए फार्मूला जरूरी नहीं है। हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन भी वैसे ही कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के जो ऑपरेटर्स हैं उनके थ्रू डायरेक्टली रेफरेंसेस या नंबर्स को लेकर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ लिखा है इक्वल टू, ये रेफरेंस मेथड है, तो हमने एक एड्रेस दिया वो, और इसमें प्लस किया मैंने दूसरा एड्रेस। ठीक है जी, एक तरीका ये हो गया। एक हो गया कि यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। फॉर्मूला में अगर आपको टेक्स्ट की वैल्यू देनी हो तो इन्वर्टेड कॉमास में लगता है। ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर कोई भी टेक्स्ट आए। अगर आपको ब्लैंक दिखाना हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमास नॉर्मली आते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। अब फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है हमारा, या तो इक्वल टू से होता है, प्लस से होता है, माइनस से होता है। तो इक्वल टू से तो आपको पता ही, प्लस से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट रेफरेंसेस ले लेता है, माइनस से भी कर सकते हैं। बट माइनस से जब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले में क्या दिक्कत आती है, वो वैल्यू को, पहली वैल्यू को नेगेटिव में ले जाता है। ठीक है जी, हालांकि उसमें इक्वल टू अपने पास आप लग जाता है, इस कारण से वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए इक्वल टू से स्टार्ट करना ही बेटर रहता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इक्वल टू के बाद, इसके बाद स्टार्टिंग फॉर्मूला के बाद आप लेते हैं रेफरेंस, एड्रेस रेफरेंस या वैल्यू डायरेक्टली। ठीक है जी, उसके बाद कोई भी कैलकुलेशन के लिए हम लेते हैं ऑपरेटर, ये ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास कई तरह के ऑपरेटर होते हैं। एक है मैथ, मैथमेटिक के सबसे पहले देखते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए। हाँ जी सर, मैथमेटिक्स के फंक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स ऑपरेटर होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं, नॉर्मली हम जानते हैं इनको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसके अलावा एक और होता है पावर के लिए, कैरेट का साइन जो होता है। ठीक है जी, ये पावर के लिए, बाकी में भी लिख देता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ये ऑपरेटर होते हैं, तो आपको प्लस करना है प्लस कर सकते हैं, माइनस करना है माइनस कर सकते हैं। तो आप बाकी डिवीजन तक आपने किए होंगे, पावर का दिखाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ 4 की पावर 2, इसकी पावर निकालें तो Shift 6 दबाते हैं तो ये कैरेट का साइन आ जाता है। ठीक है, ये पावर में रिजल्ट देता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। पावर का ही फंक्शन भी है आपके पास, अगर पावर वैसे यूज करना चाहें तो बस आपको एक में नंबर देना है और दूसरे पैरामीटर में पावर देना है। तो ये ऑपरेटर है इसमें हमारे पास मैथमेटिक्स के। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर यूज होते हैं लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा यूज होता है इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन,
ग्रेटर देन नॉट इक्वल इक्वल टू, टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, अब ये वाले आपने ऑपरेटर देखे होंगे, इसके अंदर लगाते हैं हम इस तरह के ऑपरेटर। इसके अंदर लगाते हैं अपने लॉजिक ऑपरेटर्स को हम। अब ये एक बार इफ के फॉर्मूला का स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, तो क्या होता है इफ का फॉर्मूला, जैसे मैंने टाइप किया तो पहला जो यहाँ पे इसको कहते हैं टूल टिप जो आ रही है आपकी, स्क्रीन टिप कहते हैं इसको, ये जो स्क्रीन टिप दिखा रहा है कि फॉर्मूला फंक्शन कैसे कैसे चलना है, क्या पैरामीटर आएंगे, तो पहला बता रहा है लॉजिकल टेस्ट क्या लेंगे, फिर कॉमा के बाद वैल्यू एफ टू, फिर कॉमा के बाद वैल्यू एफ फोर। तो लॉजिकल टेस्ट होता है किसी भी तरह का कि क्या ये ग्रेटर देन है इससे। हेलो, हाँ जी सर, हेलो, हाँ जी सर, बढ़िया, आप बताइए। हाँ तो बताइए, ये देखता है E9 क्या ग्रेटर देन है क्या क्या क्या। अब इसमें क्या होगा कि आगे नहीं, पीडीएफ तो नहीं है, नॉर्मल वाला ही पीडीएफ है। अगर ग्रेटर है तो वैल्यू इफ ट्रू में वो आएगा नहीं, वो नहीं है, जो हम देना चाहते हैं। अगर टेक्स्ट की वैल्यू नहीं, इनवर्टेड कॉमास में आ जाएगी, गूगल गूगल से डाउनलोड कर लो ना, फॉल्स की वैल्यू। हाँ हाँ हो जाएगा, मेरे को फ्री नाइट्रो पीडीएफ डाउनलोड तो हो जाएगा, लिंक लिंक अगर कंडीशन यहाँ से ट्रू रिटर्न करती है, E9 अगर बड़ा है F9 से तो ग्रेटर रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो लेसर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू जो देता है ये ट्रू फॉल्स में देता है जो भी ऑपरेटर, इसके लिए हमें इफ फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जब जैसे मैंने वैसे ही चेक करना है, लॉजिकल टेस्ट क्या होता है आपका, डायरेक्टली लगा के देते हैं उन ऑपरेटर को, क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है जी, अभी फॉल्स कर रहा है, मैंने पूछा कि क्या ये इससे ग्रेटर है, तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मान लीजिए बड़ा होता तो ट्रू रिटर्न करता। तो इस तरह की वैल्यू को लॉजिकल वैल्यूज या बुलियन वैल्यू कहते हैं, ट्रू फॉल्स को, जिसके बेस पे इफ का फॉर्मूला क्या करता है, लॉजिकल टेस्ट है इसका एवेल्युएशन जो होता है, किसी भी इसमें सिलेक्ट करेंगे, किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये आपको उसका पार्ट दिखाएगा कि जैसे लॉजिकल टेस्ट वाले में क्या है, वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या है, वैल्यू ऑफ फॉल्स में क्या है, इस तरह से आपको दिखाता है। ठीक है जी, अब ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन मैंने देखनी हो, जैसे लॉजिकल टेस्ट को क्लिक किया तो ये सिलेक्टेड आ गया, F9 दबाऊंगा तो उसकी इवेल्युएशन आ जाएगी, ट्रू आ गया, कैलकुलेशन ट्रू के केस में कहां जाएगा, पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूं, ट्रू के केस में क्या उठाएगा ये ग्रेटर, इस तरह से। पर इस तरह से जब भी कैलकुलेशन चेक कर रहे हो आप तो एंटर मार के कभी बाहर बताइए, एंटर प्रेस करके नहीं बाहर आना, एस्केप करके बाहर आना, क्योंकि जो भी आप कैलकुलेट कर चुके होंगे अगर एंटर कर देंगे तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं इसमें F9 करके उसमें एंटर कर दूं तो क्या होगा, ये फिक्स हो गई वैल्यू। ठीक है जी, तो फिक्सिंग मुझे चाहिए नहीं। ठीक है जी, दूसरी चीज जो मैं बता रहा था कि ये ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देता है, दूसरी कंडीशन देते हैं, क्या ये इक्वल टू है इसके, ठीक है जी, इक्वल टू है इसके तो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दिखा रहा है, नहीं है इक्वल टू, जैसे ही इक्वल होगा क्या करेगा, ट्रू कर देगा। क्या ये लेस देन है, तो लेस देन तो नहीं है, छोटा तो नहीं, बराबर है या बड़ा, या बड़ा बराबर है, उसको फॉल्स दिखा। एक हमारे पास होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है जी। अब पहला वाला ग्रेटर देन था जो कंडीशन दी थी, क्या मैंने दे दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो दो कंडीशन लग गई एक साथ, या तो ग्रेटर हो या उसके बराबर हो, तब ट्रू दे देगा।
तो इंक्लूड कर लेता है साथ में। इसी तरह से आपका लेस देन और लेस देन इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू जब ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है जी, अब ये कंडीशन कैसे पढ़ेंगे कि एच ट्वेल्व नॉट इक्वल टू आई ट्वेल्व, इसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आ रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करेगी, नॉट इक्वल टू तो नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करेगी, तो रिजल्ट इस तरह से आ रहा है। दोनों बराबर नहीं है, बराबर है तो ये नॉट इक्वल टू ट्रू नहीं होगा, फॉल्स आएगा। ठीक है जी, जस्ट इसको आप इक्वल टू का उल्टा समझिए, जो इक्वल टू आपका रिजल्ट देगा वो नॉट इक्वल टू फॉल्स में देगा। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है। देन इसके बाद एक ऑपरेटर अपने पास होता है टेक्स्ट के लिए, एक ही होता है एंड। इक्वल टू के बाद, एड्रेस रेफरेंस के बाद जो ये चीज कैलकुलेशन के लिए लगते हैं, इनको ऑपरेटर बोला जाता है, चाहे वो मैथमेटिकल हो, चाहे लॉजिकल हो, चाहे टेक्स्ट वाले हो। टेक्स्ट में ऑपरेटर कैसे काम करता है, जैसे दो सेल में अलग अलग लिखा हुआ है, तो यहां से मैंने एड्रेस सिलेक्ट किया, ऑपरेटर लगाया, कौन सा एंड का, इसको कहते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर, और इसको कहिए, तो ये क्या करेगा, दोनों सेल का डाटा बीच में एक सेल में मर्ज कर देगा। ठीक है जी, अब मुझे बीच में स्पेस चाहिए, तो स्पेस तो यहाँ किसी उसमें लिखा नहीं है, सेल में यहाँ डालना है, तो मैं क्या करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस डाल के कर दूंगा, बट दो रेफरेंसेज ऐसे नहीं दे सकते, बीच में ऑपरेटर चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरह से अपना ऑपरेटर बच जाएगा और अपना काम हो जाएगा बीच में स्पेस। मान लीजिए इसके आगे मिस्टर लगाना है मुझे, यहाँ क्या करूंगा, मिस्टर लिखा नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमा में दे दूंगा, मिस्टर स्पेस दे देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन फिर एंड। ठीक है जी, तो ये भी मैंने इसी के थ्रू लगा दिया। ये कुछ फॉर्मूला के ट्रिक ऑपरेटर होते हैं जिससे हम यूज करते हैं इनको। दूसरा कोई भी आपका फॉर्मूला लगा हुआ है, जैसे ये फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको देखना है आपने, तो ये एफएक्स का बटन है, इसको दबाएंगे तो उसमें इनके पार्ट आ जाएंगे कि ये फॉर्मूला किस पार्ट में लॉजिक, जैसे स्क्रीन टिप में अलग अलग पार्ट दिखा रहा तो उसी में ये दिखा रहा है लॉजिकल टेस्ट, इसकी वैल्यू भी दिखा रहा है आपको कि इसका इवेल्युएशन क्या निकला, वैल्यू इफ ट्रू में लिया हुआ है, वैल्यू इफ फॉल्स में क्या लिया हुआ है। ठीक है, और हर एक की छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी दिखा रहा है। इसके बाद भी कोई फॉर्मूला अगर आपको नहीं समझ आता है तो यहाँ पे हेल्प ऑन दिस फंक्शन में जा सकते हैं। हेल्प ऑन दिस फंक्शन में जब जाएंगे तो आपको वही फॉर्मूला खुल के आ जाएगा और इसके एग्जाम्पल भी आ जाएंगे दो एक, ठीक है जी, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। दुनिया भर के एग्जाम्पल आ गए, तो यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लॉजिकल भी पूरे करा देता हूँ क्योंकि इसमें है नहीं ज्यादा फंक्शन। तो अभी हमने देखा इफ का फॉर्मूला, तो आप लोग जान ही गए होंगे कि लॉजिकल टेस्ट करता है लॉजिकल ऑपरेटर के बेस पे, अगर उसमें ट्रू निकलता है तो वैल्यू इफ ट्रू वाला पार्ट चलाता है, फॉल्स निकलता है तो वैल्यू इफ फॉल्स वाला पार्ट चलाता है। इफ का फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। एक बार जब भी आप इक्वल टू प्रेस करते हैं और कोई किसी भी इनिशियल, जैसे वी का फॉर्मूला लगाना है, मैंने वी जैसे टाइप किया तो वी से रिलेटेड सारे फॉर्मूले मेरे पास लिस्ट में आ गए। जैसे वी लुकअप लगाना है तो इसमें जाके मैं एरो की से मैंने सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए या टाइप करूंगा तो वो छोटा होता जाएगा, जैसे वी एल डालूंगा वी लुकअप आ गया। अब यहाँ आ गया, अब मैंने क्या करना है, टैब प्रेस करना है, टैब का बटन जैसे ही प्रेस करूंगा तो वो इक्वल टू तक खुल के आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, और इसके बाद तो ये हमारा जो होती है ऑटोमेटिक लिस्ट होती है जिसमें दिखाता है। अब चलिए एक कंडीशन की तरफ चलते हैं। इफ का फॉर्मूला हमने देखा पैटर्न कैसे काम करता है, तो उसको तो किसी रियल टाइम सिचुएशन में फिट करते हैं। मान लीजिए कुछ लड़के थे जो इंटरव्यू देने गए,
इनके थे, इंटरव्यू देने गए और इनके हुए 3 राउंड। राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड हो गए, किसी में सिलेक्ट हुए किसी में नहीं हुए, किसी में सिलेक्ट हुए किसी में नहीं हुए। अलग अलग आदमियों ने भी ठीक है। अब हमारे पास क्राइटेरिया क्या है रिजल्ट के लिए कि हम चाहते हैं कि उनको सिलेक्टेड दिखाए जिनको तीनों में यस मिला है, ठीक है, जो तीनों राउंड में पास हैं खाली वही सिलेक्ट किया जाएगा। अब मुझे लिखवाना है यहाँ पे सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है जी। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाने लगूं तो बहुत कैसे लगाऊंगा इसके बीच में, देखिए एक बार तीन का ही लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, इसका लगाएंगे थ्री टाइम्स, ये देखिए, ठीक है। जैसे एक का फॉर्मूला लगाया मैंने, पहले ही चेक किया, जैसे 3 राउंड है तो पहले राउंड को चेक किया क्या ये इक्वल टू वाई है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास 2 केस आ रहे हैं, वैल्यू ट्रू वैल्यू, मतलब हो तो क्या करे ना हो तो क्या करे। तो अगर यहाँ मिल जाता है, कंडीशन है तीनों में होना चाहिए, अगर यहाँ मिल जाता है तो मैं एक बार इसका फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है, और एक और बीच में करूंगा, और नहीं मिलता है तो यानी एक में नहीं मिला तो बाकी में भी देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रिजेक्ट दिखा सकता हूँ, ठीक है जी। इस तरह से हर के बीच वाले में हम आगे काम कर, मिल गया है तो यहाँ पे एक और इसका फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है जी। दूसरा एक क्या करेगा, अगर इसमें मिल जाता है इसमें चेक करेगा क्या ये इक्वल टू वाई है, ठीक है, मिल गया तो फिर उसे इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं मिला तो क्या करना पड़ेगा रिजेक्टेड। अब अगर मिल गया इसमें और इसे चेक कर लेते हैं कि भाई सब तीसरे वाले में या वाई है कि नहीं, ठीक है। तो अगर है, अब तीनों में मिल चुका है तो यहां लिखा सकते हैं सिलेक्टेड और वाइज रिजेक्टेड, ठीक है जी। ये फॉर्मूला आपका बनेगा इसके लिए एफ के थ्रू, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुझे तो पता है मैंने बहुत सीधे तरीके से लगाया आराम से, पर नॉर्मली ये इतना आसान नहीं होता लगाना, क्या करें। इफ एंड यूज कर लेंगे, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है एंड, ठीक है। अब एंड में क्या होता है कि एंड के अंदर मैं तीनों कंडीशन दे देता हूं, मल्टीपल कंडीशन एक्सेप्ट करता है पहली चीज का एंड, तो सारे लॉजिकल टेस्ट एक साथ ही दे दूंगा एंड के फॉर्मूले के, ठीक है। एन नंबर ऑफ लॉजिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं लॉजिकल टेस्ट, तो मैंने तीनों का चेक करा लिया क्या ये इक्वल टू वाई क्या इक्वल टू वाई, ऐसे करके चेक करा लिया। अब एंड की बेस प्रायोरिटी क्या है कि एंड ट्रू मुझे तब देगा इनका जब इन तीनों कंडीशन में ट्रू होगा, अगर इनमें से एक भी कंडीशन में फॉल्स आ गया तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि ट्रू वही दे रहा है जहां तीनों में होगा, तीनों कंडीशन मतलब कि ट्रू हो रही है। अब आपके पास ये सीधा सा तरीका है तो बस आपको इफ और फिट करना है इसके अंदर, कि अगर यहाँ ट्रू है तो क्या करना है सिलेक्टेड देना है और फॉल्स है तो क्या कर देना है रिजेक्टेड, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, कर दिया सेम रिजल्ट आ गया, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रही। बट क्या है कि ये 2 सेल में लगाया मैंने, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसका रेफरेंस लिया, तो फॉर्मूला को ज्वाइंट कैसे करना। अब यहाँ पे जाइए इक्वल टू से पहले क्लिक कर दीजिए, इक्वल टू से पहले की वैल्यू को कॉपी कर दीजिए सिलेक्ट करके, देन वहां जाइए जहां अप्लाइड है। अब यहाँ जब मैं F2 क्लिक कर रहा हूँ एडिट मोड पे जा रहा हूँ तो देख रहे हैं कि इसका लिंक आ रहा है, ठीक है जी,
इसका लिंक F18 है, तो F18 की जगह वो कॉपी किया हुआ फॉर्मूला आपने पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट कर दिया तो वो लिंक यहां से हट गया और बाकी मेन लिंक्स पे आ गए, यानी ये फॉर्मूला जो हो गया फ्री हो गया, अब मुझे इसकी जरूरत है। ठीक है जी, पहले क्या था उस पर डिपेंडेंट था, अब डिपेंडेंट नहीं है। अब बात रही मूव कराने की, मैं क्या करता हूँ इसको उठा के ये वाले को, इसके फॉर्मूले को थोड़ा इधर रख देता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैंने क्या किया इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, देखिए क्या आ गया, एरर आई। क्यों एरर आई यहाँ पे? रेफरेंसेस नहीं है। हाँ, क्योंकि ये इसके रेफरेंसेस टूट चुके हैं। ये क्या करता है, रेफरेंसेस भी आगे हो जाते हैं। अगर अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूं तो इसके रेफरेंसेस उनकी बजाय इधर को ले आता है, मतलब उतने ही डिफरेंस पे खींच लाता है अपने साथ। तो इस केस में करना क्या होता है, जब भी ऐसा करें तो कट करके उठाएं, कट करके उठाएंगे तो रेफरेंसेस को वो बदलेगा, बदलेगा, कट करके उठाएंगे तो रेफरेंसेस नहीं बदलेंगे, कट करके पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो रेफरेंसेस बदले नहीं है, चाहे मैं इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर दू तो देखूंगा रेफरेंसेस वहीं के वहीं रहते। ठीक है, तो कट करके पेस्ट करते हैं। एक और सिचुएशन देखते हैं, मान लीजिए यही लोग फिर से कहीं चले गए। अब ये गए किसी बैंक में खाता खोलाने। ठीक है, अब बैंक वाले ने कहा कि आप तो या तो मुझे DL दे दो या वोटर आईडी कार्ड दे दो, तीनों में कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, हमें अकाउंट खोल दूंगा। ठीक है, उनके रिजल्ट में क्या दिखाना है यहाँ पे, ओके नॉट ओके करके दिखाना है कि इनका स्टेटस ओके है नॉट ओके। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर इफ के फॉर्मूला से चलू तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ठीक है जी, चलिए इफ का काम मैं आप लोगों को देता हूँ, आप उसको करिएगा इफ के फॉर्मूला के थ्रू कैसे करेंगे, बाकी मैं बताता हूँ कि इसमें यहाँ लगेगा क्या। एक और का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जैसे एंड की प्रॉपर्टी है कि जब तीन, जब इसके अंदर की कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू देगा, ऐसे ही और की प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर की कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू कर दे तो वो ट्रू दे देगा। यहाँ पे भी हमें यही चाहिए, कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो तो ट्रू कर दे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक कंडीशन अगर ट्रू कर दी तो वह ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो और के अंदर डायरेक्ट दे देता हूं, क्या ये इक्वल टू वाई, क्या ये इक्वल टू वाई, क्या ये इक्वल टू वाई, तो इसने दे दिया ट्रू। अब देखिए फॉल्स वही देगा जहां पे कोई भी कंडीशन ट्रू हो। तो एक के कंडीशन के अंदर अपना लगा लेते हैं, ये लॉजिकल टेस्ट रहा हमारा ट्रू फॉल्स, और इसमें लिखा दिया मैंने ओके और नॉट ओके। ओके नॉट ओके कर दी। एक और तरीका होता है जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं, यहां से अगर मुझे एक में मर्ज करना है तो क्या कर सकते हैं, इक्वल टू से पहले कॉपी करेंगे पर यहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे जाके। कई बार क्या होता है कि जैसे यही रेफरेंस है, ऐसे मैंने काफी सारे फॉर्मूले और लगा रखे हैं जिसमें सेम यही रेफरेंस E18 बार 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 यूज किया, ये तो उसको वो बार बार पेस्ट करना तो समझदारी वाली बात नहीं। ठीक है, आप सिलेक्ट करके कंट्रोल F मारिए, रिप्लेस फाइंड रिप्लेस वाला खुल जाएगा, उसमें वो आप डाल दीजिए रेफरेंस, जैसे E28 है ना, तो E28 मैंने डाल दिया रेफरेंस, और रिप्लेस किसके साथ करना है वो यहाँ पेस्ट कर दीजिए, रिप्लेस ऑल करेंगे तो वो अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। ये नहीं, या देखेंगे आपका फॉर्मूला आ गया।
कट करके आ, इसका और का फॉर्मूला आप लोग इसके साथ ट्राई कीजिएगा कि कैसे होगा। अब देखिए एंड और की इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी समझ गए आप कि एंड सब कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू देगा, फॉल्स जब दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो ट्रू देगा। तो इनकी एक मिली जुली आपको दिखाता हूं। मान लीजिए यही बैंक वाले बंदे ने आप गए और ये कई बार कहता है कि चलिए दो डॉक्यूमेंट लाएंगे, आईडी एड्रेस प्रूफ मांग लेता है ना। तो मैं क्या करता हूं, एक और तो इनमें एक और डॉक्यूमेंट डालता हूं। अमित जी कुछ नेट की प्रॉब्लम है क्या आपके साथ, आवाज नहीं आ रही। इमरान जी आपको आ रही है आवाज? जी आ रही है। तो चलिए जैसे अब चार डॉक्यूमेंट हो गए, इसकी कैटेगराइजेशन मैं कर देता हूं कि ये जो पार्ट है हमारा ये हो गया, ये हो गया अपने एड्रेस प्रूफ, ठीक है। और ये पार्ट हो गया अपना आईडी प्रूफ, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये कह रहा है कि एक आईडी प्रूफ दो एक एड्रेस प्रूफ दो, ठीक है। ये कह रहा है कि एक आईडी प्रूफ दो एड्रेस प्रूफ, इसमें कैसे करेंगे हम चेक, यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। हेलो, हाँ जी, अब इसमें हमें रिजल्ट चाहिए। हेलो, हाँ जी अमित जी, आवाज नहीं आ रही क्या? बीच बीच में नहीं आ रही, अभी तो आ रही है, ठीक है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, आपका नेट सही चल रहा है? सर नेट तो सही चल रहा है, नेट प्रॉब्लम की वजह से वॉइस ब्रेक होती है सर। ठीक है, ठीक है। तो अब इसने कहा कि मुझे या तो आप एक आईडी प्रूफ दे दो एक एड्रेस प्रूफ दे दो, ऐसे चॉइस हो सकती है, पैन कार्ड या आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड या डीएल में। तो इसको कैसे करेंगे, जहां पे चॉइस है, जहां हमारे पास चॉइस है वहां क्या करेंगे, और का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है जी। तो पहले इनकी चॉइसिस कर लेते हैं, क्या इक्वल टू वाई, इक्वल टू वाई, ठीक है जी। दो और के फॉर्मूले लगा देंगे, एक इसके लिए इन दोनों में से कोई हो और एक इसके लिए, चॉइस है हमारे पास, ठीक है। तो ये दो और के फॉर्मूले लगा दिए। अब इनमें से एक एक होना चाहिए, मतलब एक आईडी प्रूफ चाहिए ही चाहिए और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए ही चाहिए, जहां मैंडेटरी हो जाए कि दोनों ट्रू चाहिए तो वहां एंड का फॉर्मूला, एंड के फॉर्मूला में इसको भी सप्लाई कर दीजिए और इसको भी सप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। बाकी अपने आप ये खुद कर लेगा। तो लास्ट वाले कॉलम में हमें अपने आप मिल जा रहा है, ठीक है जी। रिजल्ट लास्ट वाले कॉलम से करा सकते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला लगा के अगर ये है तो ओके और नॉट ओके, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया आपको, अब आपको कंबाइंड करा के दिखाते हैं। इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको कंबाइंड करा के दिखा देता हूँ कंबाइंड कैसे होगी। यहाँ पे मैंने क्या करना है, आप देखिए ये दोनों जाके एक फंक्शन में जा रहे हैं कि बेस फॉर्मूला, तो पहला वाला फॉर्मूला वहां लगेगा इसमें एंड वाले में,
यहाँ, ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया, इसका लिंक टूट गया, अभी इसका चाहिए, तो यहाँ से फिर कॉपी कर लेंगे इक्वल टू से पहले वाला और G48 में लगा देंगे, G48 का यहाँ लग गया, ठीक है जी। अब इसके अंदर जहाँ पे H48 है, तो ये H48 का फॉर्मूला पूरा है, कोई फालतू लिंक नहीं है, खाली यही वाले, तो इसको कॉपी करके इक्वल टू से पहले और यहाँ डाल देंगे H48। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला आ गया, ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल एक्स कर यहाँ डाल देंगे, बाकी की जरूरत नहीं। ठीक है, आपका रिजल्ट आ गया, ये फॉर्मूला। ठीक है, एंड और का यूज आप लोग समझ गए होंगे, और बच्चे और देख इसमें फॉल्स और ट्रू, ट्रू और फॉल्स दो चीजें और हैं इसमें, ट्रू फॉल्स के फॉर्मूले क्या रिटर्न करते हैं, कोई यूज नहीं है, ट्रू का फॉर्मूला ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स का फॉर्मूला फॉल्स रिटर्न करेगा, इसका कोई यूज नहीं है, फालतू दे रखते हैं, तो वैसे भी ट्रू फॉल्स कुछ नहीं, तो उसमें ठीक है। एक फॉर्मूला जैसे मैंने आपको नॉट इक्वल टू दिखाया था, वो ऑपरेटर दिखाया था, इसी तरह हमारे पास नॉट का फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो भी फॉर्मूला लगाते हैं वो ट्रू रिटर्न करना चाहिए, और पर मान लीजिए कि आपको हाईलाइट उनको कराना है कि जहां पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है जी। अब तो ऐसे केस में रिजल्ट को पलटाने के लिए क्या करते हैं, नॉट का फॉर्मूला, नॉट के फॉर्मूला में अगर आप ट्रू पास करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है जी, ये रिजल्ट को एकदम बदल देता है। अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू की जगह मेरे पास नॉट इक्वल टू की चेक करना हो, नॉट के अंदर मैं ये कर दूं जो कि मेरा ट्रू रिटर्न करने वाला फॉर्मूला है, तो उसको फॉल्स बना देगा, और फॉल्स अगर रिटर्न करेगा तो उसको ट्रू बना देगा, नॉट इक्वल टू की तरह ही काम करता। तो रिजल्ट को कई बार हमें मैनिपुलेट कराना पड़ता है, कि ट्रू का फॉल्स दिखाए, फॉल्स का ट्रू दिखाए, तो नॉट का फॉर्मूला वहां अच्छा खासा काम आ सकता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है इफ एरर का, इफ एरर जहां एरर होती है वहां पे लगाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहां पे मैं नंबर दे देता हूं, और इनको डिवाइड करा देता हूं आपस में, यहां मैंने डिवाइड किया, सम का फॉर्मूला लगा दिया, नीचे टोटल दिखा रहा है। अब यहां पंगा क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये वैल्यू मेरी फॉर्मूला से आने वाली है किसी रेफरेंस, तो जब वैल्यू नहीं है वहां जीरो दिखा रहा है, ठीक है जी। मैंने शीट को ऑटोमेट किया तो उसमें क्या हो रहा है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाय जीरो एक एरर होती है, तो जब एरर आ रही है तो नीचे सम वाले फॉर्मूला को भी खराब कर रही है, ठीक है। तो इस तरह की दिक्कत ना आए इसके लिए हम इफ एरर फॉर्मूला यूज करते हैं। इफ एरर इससे पहले लगा दूंगा, उसमें वैल्यू में कोई भी अपना फॉर्मूला जो होगा चलेगा, ठीक है जी। अगर एरर आती है तो सेकंड पैरामीटर कहता है कि अगर एरर आती है तो क्या करना है, ठीक है जी। तो मैं क्या देता हूँ, जहां एरर आए वहां जीरो दे दो, ठीक है जी, जहां एरर आएगी वहां जीरो दे देगा। तो इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूं, तो मेरा फॉर्मूला जो है सेफ पड़ा है, ठीक है जी। जीरो ही नहीं, उसकी जगह कुछ भी दे सकते हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ भी ना दिखाए तो ब्लैंक दे देता हूं, ठीक है जी, तो ब्लैंक दे दे रहा, अब भी कोई एरर नहीं जनरेट कर रहा, क्योंकि एरर हमारे इस तरह के फॉर्मूला में एरर जनरेट कर देते, तो ये था मेरा फॉर्मूला इंट्रोडक्शन। देन अब करते हैं कुछ पार्ट प्रोटेक्शन के ऊपर।
अब देखते हैं प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा सा, नेक्स्ट टॉपिक। प्रोटेक्शन हम लोग यूज करते हैं शीट को यहां से प्रोटेक्ट करते हैं। अब वास्तव में ये होता क्या है, अगर मैं वैसे ही प्रोटेक्ट शीट कर दूं, यहां पे मैं पासवर्ड दे सकता हूं चाहूं तो, और मान लीजिए प्रोटेक्ट कर दिया, क्या होता है कि ऊपर वाले कुछ ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं, इन पे आप कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, दूसरा एंट्री भी नहीं कर सकते अभी आप, ठीक है जी। ये सेल हो गई लॉग, सारी लॉग हो गई। तो इसका यूज क्या है, तो इसके लिए आपके पास ये जो अपना नंबर फॉर्मेटिंग वाला होता है ना, सेल फॉर्मेटिंग वाला टूल, इसमें देखेंगे एक सबसे लास्ट में प्रोटेक्शन का एक टैब होता है, प्रोटेक्शन का टाइप होता है, जिसमें दो फीचर होते हैं लॉग्ड और हिडन, ये दो। और बाय डिफॉल्ट ये लॉग्ड वाला आपको चेक मिलता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन वहां असर करता है जब हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, जो सेल लॉग्ड होती है उसमें आप दिख नहीं सकते, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रोटेक्शन जिस सेल के लिए लॉग्ड सिलेक्टेड होगा उस सेल में आप कुछ भी नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने सॉफ्टवेयर टाइप का बनाना है, फॉर्म बनाने मैंने कहा कि यूजर एंट्री करे नेम रोल नंबर, एंट्री फॉर्म बना लिया। अब मैं चाहता हूं कि इन तीन में एंट्री हो पाए और किसी में हो ही ना पाए, ठीक है। तो इन तीन में अनलॉक करेंगे, हाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। तो तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया कंट्रोल के बटन से, मैं ये तीनों सेल को एक साथ सिलेक्ट कर ली क्लिक करके। अब ये देखिए ये तीनों सेल अलग अलग सिलेक्ट, प्रोटेक्ट में गया, प्रोटेक्शन में गया मैं इस टैब में, और यहां से मैंने लॉग का हटा दिया, ओके कर दिया। अब मैं जब यहां से प्रोटेक्ट करूंगा, मैं चाहूं तो पासवर्ड भी दे सकता हूं, मैं पासवर्ड दे देता हूं एबीसी, दोबारा कंफर्म करता है पासवर्ड एबीसी, ठीक है। अब ये शीट हो गई प्रोटेक्ट, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, पर यहाँ पे फॉर्मेटिंग तो नहीं चेंज कर सकता, पर लिख सकता हूँ, बाकी में लिखने की कोशिश करेंगे इन सब में तो एरर देगा, पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ एंट्री कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं। इस तरह दो कैटेगराइजेशन होती है एक सेल की, अनप्रोटेक्ट करता हूं इसको, तो व्यू टैब के अंदर भी ये प्रोटेक्शन के ऑप्शन होते हैं, अनप्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड देंगे अनलॉक हो जाएगी, अब लिख सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में ही एंट्री ना हो, बाकी सब जगह हो सके, इसमें क्या हो बाकी सब में हो, तो क्या कर सकते हैं, यहां सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल वन करेंगे या वहां से चले जाएंगे और लॉग हटा देंगे। मतलब सारी सेल को मैंने जब सिलेक्ट कर लिया, लॉग हटा दिया, तो सारी सेल हो गई अनलॉग। अब फाइनली मैंने क्या कहा है कि इसमें एंट्री ना हो पाए, तो फिर कंट्रोल वन करके ये सिलेक्ट करके मैंने लॉग कर, ठीक है। तो इतना एरिया लॉक रहा था, ठीक है। अब मैं जब इसको प्रोटेक्ट करूंगा तो मैं इसमें नहीं लिख सकता, पर बाहर कहीं भी लिख सकता, ठीक है जी, सिर्फ इसमें नहीं लिख, ठीक है जी। अब देखिए माना कि ये प्रोटेक्ट है, माना कि ये प्रोटेक्ट है, अब मैंने अनप्रोटेक्ट करके किया, फिर से प्रोटेक्ट करता हूं एक बार इसे, माना कि ये प्रोटेक्ट है बट इसका डेटा कॉपी तो हो ही सकता है, आप एंट्री नहीं कर सकते, एंट्री करने की कोशिश नहीं कर सकते, बट आप इसको कॉपी कर सकते हैं और किसी अदर शीट पे पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब चाहते हैं कि जो मेरा डेटा है वो कभी कॉपी भी ना हो सके, ठीक है, ऐसा चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे,
इसके लिए करेंगे, देखिए कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जब हम प्रोटेक्ट करते हैं। अभी प्रोटेक्ट करता हूँ इस चीज को, दोबारा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जो प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन पहले में होता है, पासवर्ड देना होता है। इसके बाद अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट, मतलब कि आपके यूजर क्या क्या कर पाए जब आप पासवर्ड दे दें, ठीक है जी। तो ये एक्सेप्शंस देता है कुछ, कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं यार फॉर्मेट तो कर ही सके एटलीस्ट प्रोटेक्शन में, तो फॉर्मेट सेल वाला चेक कर सकते हैं। जिस जिसको चेक करेंगे वो काम आप करवा पाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसमें दो काम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कि सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल, ठीक है जी। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि मेरा जो डाटा लॉक्ड डाटा है वो कॉपी ना हो सके, और जो कॉपी करने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन जरूरी है। तो अगर मैं सिलेक्ट लॉक सेल का ऑप्शन यहां से हटा दूंगा और ओके कर दूंगा, मेरे पास क्या बचा, सिलेक्ट अनलॉक सेल, ठीक है जी। तो आप अनलॉक सेल तो सिलेक्ट कर सकते हैं, पर लॉक सेल पे क्लिक करेंगे तो भी सिलेक्ट नहीं होगा, तो कॉपी कहां से होगा। ये वाला डाटा आपको कॉपी नहीं होगा। और देखते हैं इसके बारे में, मान लीजिए एक और एग्जांपल है कि मान लीजिए लेवल वाइज प्रोटेक्शन आपने करना है। लेवल वाइज प्रोटेक्शन करना है, आपकी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज हैं, कुछ उनके ऊपर मैनेजर है, ठीक है जी। अब ये कुछ टास्क लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय जो है अपने टास्क दे और मैनेजर उसको अप्रूव और डिसअप्रूव करे, इस तरह के अलग अलग टास्क है। एम्प्लॉय वाले टेबल में इस रेंज में खाली एम्प्लॉय एंटर कर पाए और इसमें सिर्फ मैनेजर एंटर कर पाए, और ये दोनों आपस में एक दूसरे का डेटा ना छेड़ पाए, ठीक है जी। यूजर लेवल प्रोटेक्शन, तो इसके यहां पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर ली मैंने एक, और यहाँ पे मेरा ऑप्शन है रिव्यू टैब में अलाउ यूजर टू एडिट, ठीक है। न्यू करेंगे यहां से, तो एक रेंज हो गई एम्प्लॉय की, एमपी कर देता हूँ मैं, इसका नाम देता हूँ, और रेंज जो है आप चूज कर दीजिए रेंज रहेगी, ठीक है जी। इसका पासवर्ड ईएमपी कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। ओके कर दिया, फिर से री एंटर पासवर्ड मान कर दिए, अप्लाई कर दिया। देन एक बार और न्यू करता हूं, रेंज टू होगी मैनेजर वाली, एमपीआर करके, और रेंज मैंने चूज कर दी, ये रेंज है इतने एरिया में मैनेजर एंटर किया, और मैनेजर के लिए मैंने अलग पासवर्ड सेट कर दिया, एमपीआर कर दिया उसका पासवर्ड, ठीक है जी। ओके कर दिया, एमपीआर दोबारा टाइप किया पासवर्ड, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अभी तो आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है, मैंने खाली वो रेंज अप्लाई की, पर जैसे ही इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, अब क्या होगा कि जब आप एंट्री करने चलेंगे, जैसे ईएमपी में एंट्री करना, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, तो इम्प्लॉय वाला पासवर्ड इसको देना पड़ेगा। एंट्री दूंगा तभी एंट्री कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है जी। अब मैं एंट्री कर पा रहा हूँ इसके अंदर, अब ये शीट भेज दी मैनेजर को, मैनेजर जब एंट्री करने लगेगा तो फिर पास करना, ठीक है जी। बट ये जो है आपको मैंने ऑप्शन बताया है, ये ऑप्शन बीपीए के थ्रू ही चलवा सकते हैं, वैसे नहीं करा सकते, क्योंकि एम्प्लॉई ने जब ऐसे करके भेज दिया, जैसे एक यूजर के ऊपर ही करवा सकते हैं, ताकि वही यूजर एक स्पेशल यूजर ही एंटर कर पाए। दो यूजर को भेजेंगे तो एक अपनी अनलॉक करके ही भेज देगा, क्योंकि पासवर्ड डालते ही अनलॉक हो जाती है, दोबारा तो मांगेगा नहीं। तो जब मैनेजर का पासवर्ड जिसमें देंगे तो
मैनेजर भी एंटर कर पाएगा, इसमें कुछ भी वो लिख सकता है जमीन में एंट्री कर। तो यूजर लेवल प्रोटेक्शन है। तो अभी जितना भी चीज मैंने बताई वो शीट के बारे में बताई कि एक शीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, एक रेंज को कैसे करते हैं, ठीक है। अब इससे ऊपर चलते हैं कि होल वर्कबुक। अब शीट के अंदर क्या आता है, किसी यूजर ने मान लो डिलीट कर दी ये शीट, अनप्रोटेक्ट है पर डिलीट तो कर ही सकता है वो। आप चाहते हैं कि ये डिलीशन विलीशन भी ना हो सके, जितनी शीट है उतनी ही रहे। आपने कोई शीट हाइड कर दी है तो वो भी ना खुल पाए। मान लीजिए शीट मैंने हाइड कर दी, ठीक है, पर वो ना हाइड कर सकता है, यहां से लिस्ट दिखाता है, ठीक है। तो ये शीट का जो फॉर्मेट है उसको छेड़ ही ना पाए कोई भी, और ना डिलीट कर सके ना शीट ऐड कर सके। इस तरह की प्रोटेक्शन चाहते हैं तो वो होती है अपनी वर्कबुक प्रोटेक्शन। रिव्यू में देखेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ पे प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज। दो चीज होती है, प्रोटेक्ट वर्कबुक फॉर स्ट्रक्चर एंड विंडोज। स्ट्रक्चर पासवर्ड दे सकते हैं चाहे ना देना चाहे ना दे। तो अभी मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, तो जैसे ही मैं यहाँ पे हाइड क्लिक कर रहा हूँ वो सारे ऑप्शन डिसेबल हो गए, हाइड अनहाइड इंसर्ट डिलीट मूव कॉपी के सारे ऑप्शन, हर एक डिसेबल हो गए। तो वर्कबुक प्रोटेक्ट होते ही ये ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाते हैं। अब क्या करता हूँ उसमें, एक तो मैंने जो स्ट्रक्चर का दिखाया, दूसरा जब मैं ऊपर से इन बटन्स को क्लिक करता हूँ इस वर्कबुक वाले को, तो एक्सेल एक एप्लीकेशन है, अलग अलग वर्कबुक ऐसे भी दिखा सकता है, ठीक है जी, दो वर्कबुक हो सकती है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह से जो है ये कास्केडिंग वगैरह इस तरह से ना हो पाए, मतलब ऐसा है तो ऐसा ही रहे, इसके अंदर दूसरी वो चीज ना आए। तो ये जो माइनस वाले बटन है नीचे वाले, वर्कबुक के लिए जो होते हैं, एक पूरी एप्लीकेशन के लिए होते हैं, एक खाली वर्कबुक के लिए होते हैं। वर्कबुक वाले बटन जो है वो विंडोज को अगर आप चेक कर देंगे तो वो बटन ही गायब हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कोई बटन नहीं है, आप इसको मिनिमाइज नहीं कर, ठीक है जी, होगी तो पूरी एप्लीकेशन होगी, वर्कबुक नहीं होगी। तो ये काम करता है। इसके बाद आ गई कि आपने ये सारी प्रोटेक्शन वगैरह अप्लाई करके देख ली, देन अब चाहिए कि मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरी फाइल खुले तो डेटा भी ना दिखाए पासवर्ड के बगैर, मतलब शो ही ना करे बिल्कुल, पहले पासवर्ड मांगे बाकी और कोई आम काम करने। तो इस केस में क्या करेंगे, जब आप फाइल को सेव कर रहे होते हैं, ठीक है जी, तो ये टूल्स का ऑप्शन होता है, इसमें टूल्स का, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरल ऑप्शन होता है, ये तीसरा ऑप्शन जनरल ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे बोलेगा पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, ठीक है जी, ओपन करने के लिए पासवर्ड मैं एबीसी दे दूंगा। मॉडिफाई मतलब ये आपसे दूसरा पासवर्ड मांगेगा कि कोई चेंज करने के लिए, नहीं तो रीड ओनली में ही खुलेगा, ठीक है। पर मॉडिफाई वाला पासवर्ड आपने दे दिया तो उसको दोबारा नहीं चेंज कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे दे नहीं रहा हूं। तो मैंने पासवर्ड मांगा पासवर्ड टू ओपन, तो यहाँ पे ये बुक वन के नाम से सेव है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो करने से पहले ये पासवर्ड मांग लेगा, फाइल खोलने से पहले। आपने देखी होगी क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स वगैरह आते हैं इसी फॉर्मेट में, पासवर्ड डाला मैंने तो ही खुलेगी फाइल। अब मान लीजिए ये फाइल आप, तो आपने क्या किया था, पासवर्ड कब दिया था, फाइल को सेव करते हुए दिया था, ठीक है जी, पर किसी को पता पड़ गया आप चेंज करना है आपने पासवर्ड, ठीक है, तो वो तो सेव करते दिया था, वो दूसरा ऑप्शन कहाँ होगा, सेव्ड फाइल में ही करना हो। या तो एक तरीका है इसको सेव एज करके सेव कर लिया जाए और वो पुरानी फाइल डिलीट कर दी जाए, और नहीं तो ये ऑफिस बटन है इसमें होता है प्रिपेयर, और यहाँ पे एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का वो है ऑप्शन है, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे देंगे तो यहां से आप नया पासवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे 1 2 1 2 3
तो ये नया पासवर्ड डाल दिया मैंने, दोबारा बोल रहा है 123, ठीक है, इसको सेव करके क्लोज कर दिया मैंने। तब मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है, वहां से हटा देंगे तो पासवर्ड भी हट जाएगा। तो ये 123 मैंने पासवर्ड डाला, ये चेंज हो चुका है, हटा देंगे इसको यहाँ से प्रिपेयर से, तो ये हट जाएगा। ओके कर दिया, करके सेव कर दिया, तो अब ये मेरे से पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है जी। तो आज के दो दो टॉपिक कवर हुए हमारा, फॉर्मूला इंट्रोडक्शन, लॉजिकल फॉर्मूला, और ये अपना प्रोटेक्शन का, ठीक है जी। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वाली फाइल भी भेज दूंगा, आई थिंक इस फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोटेक्शन वाली तो इसको रहने दूंगा, ठीक है जी। बाकी रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह तक, ठीक है सर, ओके ठीक है, चलिए फिर आज विदा लेते, ओके संदीप जी, थैंक यू, ओके सर, हाँ जी सर।